हेलो गाइस, वेलकम टू लियोगेन चैनल पे। तो भाई लोग, आप लोगों को पता है कि कल के दिन ही चाइनीज एप्लीकेशन के ऊपर सरकार ने बैन लगा दिया। तो गाइस, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पबजी बैन होने वाला है या नहीं ये मैं आगे वीडियो में पूरा समझाऊंगा। तो भाई लोग, आप लोग अभी टेंशन मत लीजिए। अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की द्वारा, जो कि बहुत ही सही है गाइस। ये बहुत पहले से डिमांड था कि इन एप्लीकेशनों को मतलब बैन किया जाए, और ये अभी फाइनली बैन हो चुका है गाइस। जो मोस्टली टिकटॉक था उसको बैन करने के लिए बहुत दिनों से चर्चा चल रहा था। एक बार बैन भी हो गया तब तो फिर से चलाया था हम लोगों ने, बहुत ट्राई करके इसका रेटिंग भी गिराया, उसके बाद फिर से गाइस चलाया। तो गाइस, अभी चलो बात करते हैं कि हमारा जो पबजी है ये भी मतलब कहीं ना कहीं चाइनीज से कनेक्टेड है। तो क्योंकि जो टेंसेंट कंपनी है गाइस, पूरा चाइनीज बेस्ड है। तो गाइस, हम लोग बात करेंगे कि इन फ्यूचर पबजी बैन होने वाला है या नहीं। तो भाई लोग, हमारे गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो गाइस, आप लोगों को पता है बहुत दिनों से हैशटैग बॉयकॉट चाइना चल रहा था, तो इसके ऊपर नज़र रखते हुए कि गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया, तो ये बहुत ही सही है। तो गाइस, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में पबजी को भी दिखा रहा है, क्योंकि मेरे को भी कल बहुत DM आ रहा था, इसलिए वीडियो बनाना पड़ा। तो कि भाई, हमारा जो पबजी है ये बैन होने वाला है या नहीं, या चाहे पबजी केयर वर्जन बोलो या पबजी ग्लोबल वर्जन बोलो, क्योंकि गाइस इसका जो कंपनी है वो टेंसेंट ही है। तो कहीं ना कहीं अगर पबजी ग्लोबल बैन किया जाता है तो पबजी केयर वर्जन भी हम लोग नहीं खेल सकते। तो भाई लोग, आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ, आप लोगों को पूरा समझा देता हूँ। जैसे गाइस, टेंसेंट जो कंपनी है इसने पूरा डेवलप्ड किया, हम लोग जो भी पबजी वर्जन खेलते हैं, कोई भी वर्जन, केयर वर्जन, ग्लोबल, इसको पूरा टेंसेंट ने डेवलप्ड किया। और इसका जो ओरिजिन है गाइस, मतलब ये गेम जहाँ से आया है, ये गाइस पूरा साउथ कोरिया का बेस्ट है, जो ब्लू होल कंपनी करके, क्योंकि कुछ दिन पहले ब्लू होल मोड दिया था उसी कंपनी के ऊपर, ब्लू होल मोड नाम रखा गया था गाइस। तो ये ब्लू होल मोड ही पहले पबजी का इन्वेंशन किया था, उसके बाद गाइस ये चाइनीज़ वालों ने इसका कॉपी करके पूरा ग्लोबल में इसको पब्लिश कर दिया, जो टेंसेंट कंपनी है उसने। तो अगर गाइस इंडिया में बैन होता है पबजी, तो क्योंकि बहुत सारा एक अमाउंट है, 1.3 बिलियन समथिंग अमाउंट ये मतलब टेंसेंट हर साल कमाता है पबजी से, इसीलिए गाइस पबजी को जो भी न्यूज़ चैनल है ये भी कवर कर रहे हैं कि पबजी को भी बैन होना चाहिए या नहीं, तो इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। लेकिन गाइस, ये बैन नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत पहले भी इसको बैन करने की कोशिश किया गया था लेकिन ये नहीं कर पाए। तो अभी भी बैन नहीं होने वाला गाइस, और आपको ऑफिशियल न्यूज़ भी दिखाऊंगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं गाइस, और हम लोग पबजी केयर वर्जन खेलते तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे तो अगर टेंसेंट को बैन करेगा तो हम लोग भी शायद नहीं खेल सकते, तो अभी तो नहीं कर रहे फिलहाल, तो आप लोग टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और आगे कोई भी लीक्स आएगा मतलब पबजी के रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा जल्दी से जल्दी। और भाई लोग, आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेक श्योर बेल आइकन को दबा देना सब्सक्राइब करके, ताकि कोई भी न्यूज़ आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और भाई लोग, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी गाइस आप लोग टेंशन फ्री खेलिए, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं पूरा आप लोगों को समझा दूंगा, कोई भी टेंशन नहीं है। कोई भी लीक्स मतलब कोई भी न्यूज़ आए तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो गाइस, जो ऑफिशियल न्यूज़ है उसके रिलेटेड जो 59 एप्लीकेशन है वही सिर्फ बैन होंगे, और वो पूरा टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बैन होंगे, तो वो सारे एप्लीकेशन अभी हम एक्सेस नहीं कर सकते, वो कि जो कि बहुत ही बढ़िया है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गाइस पबजी बैन नहीं होने वाला है, बट गवर्नमेंट यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि आप लोग कॉल ऑफ ड्यूटी, अदर जो एप्लीकेशन है गेमिंग, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके पबजी बहुत सारा मतलब जो टेंसेंट कंपनी है ये बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेता है हर साल में, तो इसीलिए इन सब एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान देने को ज़्यादा बोला जा रहा है। लेकिन गाइस, पबजी के मतलब पबजी ग्लोबल और पबजी केयर वर्जन बैन नहीं होने वाले, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो भाई लोग, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।